अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद इकबाल ते तुसी देख रहे हो पाक वर्ल्ड फैक्ट्स। आज दे पंजाबी टॉपिक नाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर हां। ते व्यूअर्स, अगर तुसी साडे चैनल ते नवे हो, साडे चैनल पाक वर्ल्ड फैक्ट्स नूं सबसक्राइब कर दिओ ते घंटी दे बटन नूं दबा दिओ ताकि तुहानूं आने वाली इहो जी अगली इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ बासानी मिलदी रहन। ते चलो शुरू करदे हां अज दी वीडियो। अज दा टॉपिक व्यूअर्स, लोग वीडियो बनांदे ने पार्टीशन के हालात में, वीडियो बनाते हैं, असं वीडियो बनाने लोगों ने इंटरव्यू करते हैं तो लोगों को उन्होंने व्यूज़ लेते हैं, लोगों को उन्होंने व्यूज़ लेते हैं, लोग दसते हैं कि किस तरह वो कि मुश्किल वो उन्होंने मूव किया इंडिया तो पाकिस्तान आए या पाकिस्तान तो इंडिया से गए। ये सारी चीज़ें असं लोगों ने डिस्कस करते हैं। बाद लोगों पर बहुत जुल्म होया, बहुत ज़्यादा जुल्म दी परियां दास्ताना ने, बड़े बड़े कतलों गायत हो, बड़ा कुछ होया। उस कुछ अच्छी चीज़ा भी नहीं, उस अच्छी चीज़ें कि बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की इमदाद की, मजहब तो हट के, नैशनैलिटी तो हट के, कौमियत तो हट के। जिद मैं वीडियो लाई सी तो एक बाबा जी पिंड बन्ना वाले तो मूव करके थे पाकिस्तान से आए। पिंड बन्ना वाला उस तहसील फाजिलका से, बंगला फाजिलका और जिला फिरोजपुर से, वो मूव करके इतने आए। उन्होंने एक बाबा जी का जिक्र किया, सिख सरदार का जिक्र किया, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह जड़े से उन्होंने उन्होंने बड़ी इमदाद की पार्टीशन के उतों इधर आने। आओ तुम उन्होंने पहले बाबा जी की वीडियो दिखाने, देखो बाबा जी की दस रहे इतों जंडाले मुड़ गए ने बंदे पिछा मी फैजा सिंह सही उनका समान लिया जाके सिखा अमदाद दी है। अच्छा, कृपाल सिंह का नाम से, कृपाल सिंह ने मतलब अच्छा बंदा सी ना, अच्छा इंसान होना है ते वो दूसरे वर्गा नहीं सी। उन्हें अमदाद लिया दी भी गड्ढा भी आपदा दिता, वाह ठगे भी आपदे दिते, समान लदाया जिस तरह के गड्ढे च लदे गया, काम काम जरा कारम समान सी ना उन्हें चा के लिया। की नाम सी सिख का दोबारा दसोगे? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ये कि पिंड के रहने वाला सी? कृपाल सिंह बन्ना वाले का सी। कृपाल सिंह जिन्हें तुहाडे पिंड दा सी ते इन्हें तुहाडी इमदाद की उत्थे, गड्ढे अपने दिते, अपने ढगे भी दिते नाल कि तुसी समान आप दा लै जाओ जी। तुसी बाबा जी की वीडियो देख ली, बाबा जी ने दस्या कि कृपाल सिंह जिहड़े सी उन्होंने मेरी साडी बहुत इमदाद की, साडा समान अपने गड्ढिया ते लैके आए। ये वो इंसान सी जिन्हें अपने दो अपनी दुनिया की मुखालफत लैके सारी तो इन्हों की हैल्प की, इन्ह के बाबा जी के इन्हों जे जे नाल मियाँ फैज जोईया और बाकी लोगों के उतों समान चुक के इधर ले शिफ्ट कराया। तो उन्होंने अच्छी एक मिसाल कायम की, तो असी इस अच्छाई साड़ा मकसद है कि इस अच्छाई उजागर किया जाए, इस अच्छाई को सामने लिया जाए। एक होर अगली वीडियो असं तुम दिखाने, अगली एक स्टोरी तुम दिखाने। एक बाबा जी जेडे के लोहगढ़ पिंड लोहगढ़ तो उठ के, लोहगढ़ उस टाइम तहसील सिरसा जिला सहार से सी, हुण मेरा ख्याल वो शायद हरियाणा से चला गया या किस तरह, उधर लोहगढ़ के विचों उठ के सिरसा के आता सी, जिला सहार से उन्हों का बाबा मनशा टुडी। उस टाइम वो लोहगढ़ च रहते, लोहगढ़ च उठ के वो आए इतने बूरेवाला, चक नंबर 315 ईबी बूरेवाला, उन्होंने असी वीडियो लाई सी। उन्होंने एक जिक्र किया करतार सिंह, करतार सिंह जेड़े सी उन्होंने बाप के बड़े अच्छे दोस्त से। तो आओ तुहानू वो भी दिखाने। करतार सिंह ने उन्होंने बड़ी इमदाद की, करतार सिंह उन्होंने दसते दसते हैं कि साढ़े इन्ना अच्छे दोस्त से, मेरे बाप के दादा के दोस्त से, कि वह कहते जो जाओगे ना, मूव करोगे ना, तो मैं तुम्हें आप छड़ के आवांगा, कि जिहड़े तुहाडे घर दीआं औरतां ने, साडीआं भैणां ने, साडीआं धीआं ने, साडीआं धीआं भैणां वल कुख चुक के ना वेखे, इन्ना अच्छे सन। आओ तुहानूं उन्हां दे व्यू वी सीन दिखाने। एक साडे प्यो दा बेली बनिआ सी सिख। अच्छा, उहदा कोई नाम कुछ? उहदा नाम सी करतार सिंह। करतार सिंह व्यूअर्स, करतार सिंह सी जिहड़े इहनां दे, करतार सिंह अब्बे दा बेली सी, बेली सी। अच्छा, पागी सी, पग वटाई होई सी, पग वटाई सी साडे प्यो नाल। अच्छा, तुहाडे बड़े सोहणे तलका सन उहनां नाल? बड़े तलका सन। अच्छा, भरावां तरह। अच्छा, बड़ा मिलदे जुलदे। अच्छा, करतार सिंह नाल जी दी फैमिली नाल? अच्छा, ते ओह करतार सिंह आखण लग्गिआ वी मैं गुलाम नबी आप दीआं भैणां नूं मैं नाल जा के छड्ड के उत्थे आउणा। तुहाडे जिहड़े घर दीआं औरतां सन उहनां नूं भैणां बणाया समझदा सी? अच्छा, ते दो नाल रैफल उहदे कोले सी,
जवान सी अपनी बुढ़िया से। अच्छा, करतारपुर करतार सिंह ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੀਨ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੜਾ ਤਸਤਾਸੁਬ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਢੁੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਅਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਢੁੱਡੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਯਾਸੀ ਢੁੱਡੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਮਟੀਲੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਮਟੀਲੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਟੀਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਫਲ ਉੱਠਾ ਲਿਆ, ਦਾਣੇ ਖੋਲ ਤੇ ਖੋਲ ਦੋਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪਿਆ ਖਾਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੋਖਰਾ ਮੈਂ ਆ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵੱਜਦਾ ਮੁਰਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰੀ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਚੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਫਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵਾਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਾਂ ਚੰਗੀ ਭਰੀ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਾਸਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਦਾਣੇ ਪੀ ਪੀ ਆਟਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਢੁੱਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਯਾਸੀ ਢੁੱਡੀ ਮਟੀਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮਟੀਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੁਤਬੇ ਖੋਖਰ ਦੀ ਮਟੀਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਤਬਾ ਖੋਖਰ ਮਟੀਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਯਾਸੀ ਢੁੱਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟੀਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਮਟੀਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਮਟੀਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ
कि इन्ना प्यारा कल्चर है। बाकी भी कल्चर अपने अपने हर बंदे नूं प्यारे ने, लेकिन जिहड़ा साडे पंजाब दा कल्चर है वह एड्डा खूबसूरत कल्चर है कि इहदे च सानूं फखर होना चाहिए कि असीं पंजाबी हां और असीं पंजाब च रहिंदे हां और साडा कल्चर इन्ना प्यारा है, इन्ना सोहणा है कि लोग एक दूसरे नाल इन्ना तामुन करते हैं, एक दूसरे का इन्ना हया करते हैं कि अज भी अगर किसी नाल कोई मसला कोई ज्यादती होंगी है तो अगर कोई पंजाबी वीर जिहड़ा भरा देखता है तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं करता, उन्होंने पूरी कोशिश होंगी है कि कुछ हैल्प आउट किया जाए। किसी की अज भी लोग धियां भैणां दे सिर ते हथ रखते हैं, अज भी लोग पिंडां दे विच बहुत ज़्यादा अज भी सारा कल्चर जिंदा है तो बहुत अच्छे जिहड़े ने वो जेस्चर ने साडा कल्चर बहुत कल्चर सानूं बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी चीज़ा सिखाता है, चाहे वह मुसलमान है सिख है हिंदू है कोई भी है, साडे कल्चर पंजाब दे विच जिहड़ा बंदा रहिंदा पंजाबी कल्चर नूं जिहड़ा मनांदा है वो बहुत ही एक अच्छी मिसाल है पंजाब की। बहुत अच्छा जिहड़ा है पंजाब ने बड़े अच्छे बड़े नामवर शख्सियात ने उन्होंने जन्म दिता तो यह पार्टीशन के जो लोगों ने एक दूसरे का तामन किया दिखाया फिर भी तुहाडे नाल शेयर कर देंगे। अगली वीडियो असं दिखावे तुम कि कुछ जिहड़े 74 साल बाद कि किस तरह बाबा जी अपने जो बाबा जी ने अपना पिंड देखा एक बाबा जी ने सीधा अपना पिंड की वीडियो साढ़े को पहुंची है असं वो दिखाने दिखावे उन्होंने तो फिर वीडियो बना के तुम शेयर करा कि जो 74 साल बाद जो उन्होंने अपना पिंड देखा तो उन्होंने की व्यूज सन तो की वो तासुरात सन जोड़े ने वो तुम अगली वीडियो तुम दिखावे वह लिंक भी डिस्क्रिप्शन से भी लगा देंगे तो हूँ असं थोड़े को इजाजत चाहते हैं तो खुश रहो, दूसरे को खुश रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो तो सानू इजाजत दो। मिलते हैं अगली यहोजी किसी इनफॉर्मेटिव वीडियो नाल ते तुसी अगर तुसी साडे चैनल ते नवे हो तो साडे चैनल नू पाक वर्ल्ड फैक्ट्स नू सबसक्राइब कर दिओ ते घंटी दे बटन नू दबा दिओ ताकि तुहानू आने वाली साडी अगली वीडियो बस आसानी मिल सके ते हुण सानू इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज़।